नमस्कार दोस्तों, एपी टिप्स एंड की ट्रिक में आपका स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ साथ में बेल का आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह करते हैं तो हम कैम स्कैन का यूज करते थे, तो अभी मतलब कैम स्कैन जब बैन होने के बाद तो आप कौन सा अल्टरनेट उसका कैम स्कैनर का जैसे आप एप्लीकेशन मतलब यूज कर सकते हैं, तो मैं आज उसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको 6 एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ जिसमें जो सब कि आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कैम स्कैनर सर्च करके देखिए, बहुत सारा आपको आ जाता है देखिए ये सब। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये सब जितना भी कैम स्कैनर है ये सब देखिए दिस साइड कैन नॉट बी रीच्ड, ऐसा ही सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का चल रहा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो कैम स्कैनर के बदले आप कौन कौन सा आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला रिकमेंड करूँगा और ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहीं से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं या तो प्ले स्टोर में सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी आता है ये देखिए जेन्युइन स्कैन पीडीएफ, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ये भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, तीसरी है डॉक्यूमेंट स्कैनर है, ये भी देखिए वही है सेम है। और चौथा है यहाँ पे देखिए एडोब स्कैनर है। एडोब तो आपको पता ही होगा क्योंकि एडोब का बहुत सारा मतलब है, सॉफ्टवेयर वगैरह सब है, तो ये एडोब का ही है। ठीक है, और आखिरी में माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, आप जैसे उसको यूज करना चाहते हैं वैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।